हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरो के कैपिटेशन। गाइस कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 31 T20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। और हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 22 अप्रैल को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी वानखेड़े स्टेडियम मुंबई इंडिया में। अब बात करते हैं फिर दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। तो वहीं पहले टीम मुंबई इंडियंस की बात करें, तो जहां 5 मैच में से 3 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं 2 मैच हार के आ रही है। वहीं अगर दूसरी टीम पंजाब किंग्स की बात करें, तो पंजाब किंग्स यहां पे 5 मैच में से 3 मैच हार के आ रही है, 2 मैच जीत के आ रही है। अगर टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पे मुंबई इंडियंस 1 मैच से आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करना लास्ट 3 मैचेज में, तो जहां पे मुंबई इंडियंस 5 मैच जीत के आए, तो वहीं पंजाब किंग्स भी 5 मैच जीत के आ रही है। अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पे लगभग इक्वली दोनों का फॉर्म देखने को मिल रहा है। अब आगे बात करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं, लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहले कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें, तो जहां पे मुंबई इंडियंस का 60% देखने को मिल रहा है, तो वहीं पंजाब किंग्स का 50%। एवरेज स्कोर की बात करें तो मुंबई इंडियंस का 162 है, तो वहीं पंजाब किंग्स का 169 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो मुंबई इंडियंस का 192 है, तो वहीं पंजाब किंग्स का 209 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो मुंबई इंडियंस का 103 है, तो वहीं पंजाब किंग्स का 142 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे भी कंपेरिजन के मामले में थोड़ी सी पंजाब की परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे दोनों को इक्वली भी लेके चल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की ओर। आज का मैच वेदर कैसी रहेगी, तो क्लाउड्स एंड सन रहने वाली है, यानी मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगी। अगर वहीं सेल्सियस की बात करें तो 39.4 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकती है। अगर वहीं ह्यूमिडिटी देखें तो 26% रहेंगे, वहीं 3% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज का मैच के वेदर की रिपोर्ट। बढ़ते चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है, तो इस पिच पे अभी तक टोटल 107 मैच खेले गए, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला है। इस पिच पे जितने भी अभी तक मैच खेले गए हैं, वहीं अगर इस पिच का फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर की बात करें तो इस पिच पे 165-170 के रन में भी जा सकती हूँ। वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में भी लगभग उतना ही रन में भी जाएगी। इस पिच के अगर सरफेस की बात करें, तो यहाँ पर जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग भी करे या बॉलिंग भी करे, जो कैप्टन द्वारा सही डिसीजन रहेगा वो मैच जीत सकती है। क्योंकि इस पिच पे जो भी टीम अगर टॉस जीतती है, तो ज़्यादातर टॉस वाली टीम इस पिच पे मैच जीत रही है, तो टीम के लिए प्लस पॉइंट होगी कि जो भी कैप्टन होंगे वो टॉस नेसेसरी है इस पिच पे जीतने के लिए। तो इस पिच पे जितने भी अभी तक मैच खेले गए हैं, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला है, तो उम्मीद है कि ये भी मैच काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम मुंबई इंडियंस की बात करें, नो डाउट काफ़ी अच्छी टीम है। स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप में कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। वहीं अगर कुछ मैच की बात करें पिछले मैच, तो पिछला मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रही है। वहीं अगर दूसरी टीम पंजाब किंग्स की बात करें, नो डाउट ये भी टीम काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर पंजाब किंग्स को अपना थोड़ी सी बैटिंग लाइनअप अच्छी करनी पड़ेगी। वहीं अगर बॉलिंग की बात करें, तो बॉलिंग यहाँ पर पंजाब किंग्स का स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी जैकपॉट होने की भी संभावना है, तो आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैट ऐसे स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते फिर दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम मुंबई इंडियंस के की प्लेयर की बात करें, तो टीम डेविड, रोहित शर्मा, ईशान किशन, पीयूष चावला। वहीं दूसरी टीम पंजाब किंग्स के की प्लेयर की बात करें, तो शिखर धवन, जितेश शर्मा, भनुका राजा पक्षा, सैम करन। तो ये रहे दोनों टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग अब चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए पंजाब किंग्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, और मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जो मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहे हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।